ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब बात करते हैं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी यानी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की। आशा उषा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं एक बार फिर बड़ी स्ट्राइक पर जा रही हैं और इसके लिए तैयारी शुरू कर दी है। गुरुवार को नीमच के गांधी वाटिका में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका यूनियन के बैनर तले एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में नीमच जिले के विभिन्न स्थानों से आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाएं पहुंची। बैठक आयोजन का मुख्य उद्देश्य आगामी 28 व 29 मार्च को राष्ट्रव्यापी हड़ताल है, जिसे लेकर सभी कार्यकर्ताओं ने पदाधिकारियों के साथ मिलकर रूपरेखा तैयार की और हड़ताल को किस तरह से सफल बनाना है इस संबंध में चर्चा की। साथ ही यह निर्णय भी लिया कि भोपाल में होने वाले प्रदर्शन में यहां से बड़ी संख्या में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं के साथ साथ आशा उषा कार्यकर्ता व अन्य शासकीय कर्मचारी भी सैकड़ों की तादाद में जाएंगे। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने और भी कई विषयों पर चर्चा की। जी, आगामी 28 और 29 मार्च को राष्ट्रव्यापी हड़ताल है। आंगनवाड़ी आशा और मजदूरों की एक बहुत बड़ी राष्ट्रव्यापी हड़ताल होने जा रही है, उसके संबंध में आज एक मीटिंग गांधी वाटिका परिसर में हमने ली है। इसकी तैयारी के लिए क्या है, सबसे पहले हम अभी भोपाल के अंदर आंगनवाड़ियों का एक बहुत बड़ा प्रदर्शन है नीलम पार्क के अंदर, जिसके अंतर्गत यहाँ नीमच जिले से सैकड़ों की तादाद में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका अपनी मुख्य मांग न्यूनतम वेतन 26,000 करने के लिए कूच करेगी। इन्हें सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने के लिए और इनकी अन्य मांगों के लिए भोपाल में एक प्रदर्शन है, उस प्रदर्शन में शामिल होगी। इसके लिए हम सबसे पहले अभी जिला लेवल पे ज्ञापन देंगे। आगामी हड़ताल के लिए हमारी सबसे पहली फोकस तो आगामी हड़ताल को लेकर किया गया है। रैली निकालेंगे और नुक्कड़ सभाएं भी करने का हमारा आगामी हड़ताल को लेकर तैयारी है। जिले भर से कम हमारी संख्या का एक लक्ष्य रखा गया है कि 5,000 मजदूर कम से कम इसके अंदर शामिल हों। तो इसमें केवल मजदूर है या आंगनवाड़ी आशा आंगनवाड़ी इसके अंदर आंगनवाड़ी है, आशा उषा है, मजदूर है, बैंक कर्मी है, बैंक बीमा, BSNL और सभी 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियन है जो इस हड़ताल के अंदर सम्मिलित होंगी। औद्योगिक मजदूर भी इसके अंदर शामिल हैं हड़ताल के अंदर।